हाई एवरीवन, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ईच वन ऑफ यू। आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप सभी का जो फेज टू का पोर्टल है ये ओपन होने जा रहा है। एंड आप सभी जिन भी बच्चों ने फेज वन का पोर्टल नहीं भरा है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द अपना फेज वन का पोर्टल भरिए, क्योंकि जैसे ही फेज टू पोर्टल आउट होगा उसके मैक्सिमम एक या दो दिन और तक आपका फेज वन ओपन रहेगा और लास्ट के एक या दो दिन के अंदर आपको बहुत नेटवर्क इश्यूज, पेमेंट इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा लास्ट डे तक का इंतजार मत करिए। अब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, फेज टू ओपन होने जा रहा है, तो इसीलिए आप सभी अपना फेज वन है जल्द से जल्द अब भर लीजिए। नाउ सेकंडली, आप सभी का ये इशू है कि भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी तक इश्यूइंग अथॉरिटी की तरफ से नहीं मिला है। तो यहां पर मैं आप सभी को बोल सकता हूं कि आपने जब अप्लाई किया था नया कैटेगरी सर्टिफिकेट या करेक्शन के लिए, तो आप सभी को जो रिसीट मिली होगी आप अभी के लिए उसी को सबमिट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आपको और किसी प्रॉब्लम का आंसर चाहिए तो मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल हेल्पलाइन के बारे में बता रहा हूं। ये आपकी हेल्पलाइन है, इसमें डीयू के जो ऑफिशियल हैं वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं, ये चीज मैंने खुद भी चेकआउट करी है। नाउ इसके बाद आप सभी का ये भी क्वेश्चन है कि भैया क्या हमें बीएचयू में जैसे कोर्स ऐड करने के लिए फी पे करनी पड़ती है, क्या ऐसे ही डीयू में भी कोर्सेज ऐड करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अदरवाइज पैसे देने पड़ते तो बहुत सारे पैसे आप सभी के लग सकते हैं। इसी तरीके से भैया डीयू के अंदर 70 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं, तो क्या सभी कॉलेजेस के अलग फॉर्म्स निकलते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आपको सीसीएस का पोर्टल भरना है, उसी के थ्रू आपका सभी कॉलेजेस में एडमिशन कराया जाएगा। आखिरी क्वेश्चन जो आप सभी स्टूडेंट का देखने को मिल रहा है, दैट इज भैया करेक्शन विंडो कब ओपन होगी? नाउ गाइस, आप सभी की करेक्शन विंडो जरूर ओपन होती है। नाउ इसके अंदर आप सभी का कैलेंडर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत जल्द आने वाला है, जिसके अंदर पूरा स्केड्यूल मेंशन होगा कि आपकी करेक्शन विंडो कब ओपन होगी और कब तक ओपन रहेगी। इसी के साथ साथ फेज टू का पोर्टल कब ओपन होगा, कितने राउंड्स ऑफ एडमिशन कंडक्ट होंगे, ये सारी चीजें आपको एक स्केड्यूल के अंदर मेंशन करी जाएगी। नाउ यहां पर मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप सभी मेरे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका स्केड्यूल आउट होगा पूरे स्केड्यूल की डिटेल्स आप सभी को इस एकमात्र चैनल पर जानने को मिलेगी। मैं आप सभी को बस एक चीज बोलूंगा कि करेक्शन विंडो जरूर ओपन होगी, बट ये ज्यादा समय के लिए ओपन नहीं रहती है, मैक्सिमम 2 to 3 days के लिए ही ओपन रहती है। बट अभी के अभी जाओ और अपना फेस वन का पोर्टल जल्द से जल्द भर लीजिए। एट द एंड गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा सारथी 2.2 मोस्ट सक्सेसफुल काउंसलिंग प्रोग्राम की सीट्स बहुत जल्द फिल होती जा रही हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हमारे पास बच रही हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। करंटली आपको इस 60% ऑफ इसके अंदर मिल रहा है जो बहुत ही जल्द एंड हो जाएगा। इसके अंदर गारंटी है कि आपकी कोई गलती आपकी प्रेफरेंस शीट में नहीं रहेगी, बहुत एक्यूरेट प्रेफरेंस शीट्स आपको दी जाएंगी, लाइव काउंसलिंग सेशंस का एक्सेस दिया जाएगा एंड आपको अनलिमिटेड मेंटरशिप का भी एक्सेस दिया जाएगा। जल्द से जल्द एनरोल करिए, आपको लास्ट राउंड तक का सपोर्ट इस पर्टिकुलर काउंसलिंग प्रोग्राम में दिया जा रहा है जो कहीं नहीं मिलता है। फेज टू एंड होते ही सभी के काउंसलिंग प्रोग्राम एंड हो जाते हैं, बट हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम आपको लास्ट राउंड तक सपोर्ट करेगा। जल्द से जल्द एनरोल करिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।